बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी भिंडी प्याज। तो चले देखते हैं भिंडी प्याज बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 पाउंड भिंडी ले लिया, और इसे मैंने बारीक तकरीबन 1 इंच के टुकड़े में काट लिया है। और यहाँ पे मैंने 4 अदर छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं, और इन्हें मैंने पतला और लंबा काट लिया, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिए 2 अदर छोटे टमाटर लिए हैं, और इन्हें मैंने पतला पतला काट लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन चिली, तो मैंने 5 से 6 अदद ली है। और ड्राई मसाले में हमारे पास है या सॉल्ट, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून जीरा एंड धनिया पाउडर। और इसके साथ ही हमें चाहिए होगा ऑयल, जो कि मैंने लिया 1 कप। तो चले अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया पैन, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल और भिंडी। चूल्हा ऑन कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी अब हम इसे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने। तो यहाँ पे हमारी भिंडी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसे निकाल लेंगे, ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में, और ये हमने एक अलग बर्तन में निकाली। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, और अब हम प्याज को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने पर। और हमारा प्याज अब गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और इसको मिक्स कर देंगे। इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। टमाटर डाल के हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ड्राई स्पाइसेस। तो यहाँ पे जाएगा रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक, जीरा एंड धनिया पाउडर, और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। और अब साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली। अब इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो मैंने इसे भून लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए आप कितनी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी, और इसे मिक्स कर लेंगे। और आप इसे दम पे लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। मैंने इसे 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था हल्की आंच पे। तो अब हम देखते हैं, ये देखें ये बहुत ही अच्छी तरह से बन चुकी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ जैसे कि इसका, ये देखें ऊपर आ गया, तो इट्स मीन कि ये रेडी है। अब हम इसे डिश ऑफ कर देंगे। हमारे भिंडी प्याज रेडी हैं, आप देख सकते हैं कि किस कदर इसका कलर खूबसूरत आया है। और हमारी भिंडी बिल्कुल भी नहीं टूटी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया। और आप भी जब भी भिंडी बनाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएं, अगर आप ज़्यादा चम्मच चलाएँगे तो भिंडी टूट सकती है। तो ये बहुत ही बनाना आसान थी, और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।